है, और यहाँ पे एक कंबल आपको मिलता है, एक पिलो मिल जाता है, जिसकी वजह से आप आराम से स्टे कर सकते हैं। अगर आप वाराणसी में आए हैं, सिंगल पर्सन है, तो आराम से रह सकते हैं। और सेम चीज इधर भी दिया हुआ है, देखिए मतलब इतना सारा बेड लगता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो सुबह के बज रहे 8:20 टाइम वाराणसी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दिखाने वाले हैं दीना चाट का डॉर्मेट्री। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दीना चाट। जब रात में आएंगे तो काफी ज्यादा भीड़ रहेगी। दीना चाट भंडार और इनका डॉर्मेट्री है इस साइड में। यहाँ पे लिखा हुआ है दीना चाट मारवाड़ी भोजनालय डॉर्मेट्री गेस्ट हाउस। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा। गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं दीना चाट डॉर्मेट्री में। हेलो भैया, क्या हाल चाल? क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम है अजय कुमार। अजय कुमार, तो अजय भैया ये बताइए हमें, यहाँ पे सिर्फ चाट मिलता है या फिर और भी चीज अवेलेबल है? यहाँ पे डॉर्मेट्री अवेलेबल है। अच्छा, डॉर्मेट्री, मारवाड़ी रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है। अच्छा, ये मारवाड़ी यहाँ पे खिलाते भी हैं? जी जी। तो जैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे चाट तो पहले था, बाद में डॉर्मेट्री उपलब्ध हुआ जी, बाद में इसको जोड़ा गया ना, तो थोड़ा सा मारवाड़ी रेस्टोरेंट दिखाएंगे आपको। चलिए चलते हैं अंदर। ये हो गया मारवाड़ी भोजनालय। हाँ भैया, यहाँ पे खाने में क्या क्या मिल जाएगा भैया? जैसे हमारे मसाला, ये क्या लिखा हुआ है? मसाला मिल जाएगा, गुलाब जामुन मिल जाएगा, दही बड़ा मिल जाएगा। अच्छा, एक थाली में एक ही व्यक्ति खा सकते हैं, थाली में हाथ ना धोए। इनका मेनू जी, मटर पनीर मिल जाएगा आपको जी, और रोटी, मिस्सी रोटी, अच्छा दाल सब्जी, ग्रेवी सब्जी, सारा चीज अवेलेबल रहता है। मतलब क्या क्या रहेगा भी? आपको मिल जाएगा 2-3 तरह का सब्जी, कड़ी, दाल, चावल, सादा रोटी, मिस्सा रोटी, अचार, सलाद, पापड़, खीर। अच्छा, इसका रायता एक रहता है। अच्छा, एक ही रहता है। इसका प्राइस क्या हो जाएगा? इसका प्राइस 170 है। 170। इसमें रोटी कितनी रहती है? यहाँ पे हमारे यहाँ अनलिमिटेड सिस्टम है, एक व्यक्ति जितना खा सकते हैं आप। अरे भैया, अगर मान लीजिए 10 खा लिया तो? तो क्या, आप खाइए, 170 में आपको हम खिलाएंगे। 170 रुपए में आप खिलाएंगे पर प्लेट? एक प्लेट में एक व्यक्ति खा सकता है 170 रुपए में। जितना चाहे उतना खा सकते हैं, मतलब 10 रोटी खाएगा तो खाने देंगे? हाँ, चावल 2 बार मांगेगा देंगे? तो क्या, 4 बार लीजिए हम। दाल मांगेगा 2 बार देंगे? सारा चीजें देंगे। तो भैया देख रहे हैं, सारा चीज भैया देने वाले, मतलब जितना भी खाना चाहते हो खा सकते हो, पर एक व्यक्ति, एक थाली में एक व्यक्ति खाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं, इनका काफी बढ़िया रेस्टोरेंट है, यहाँ पे काफी अच्छे से डेकोरेट किया है, जिसे आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आराम से यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 170 रुपए में जितना खाना चाहते हैं एक व्यक्ति खा सकते हैं। बढ़िया प्लेट लगा के रखा है। यहाँ पे रायता भी मिलेगा, गुलाब जामुन भी मिलता है क्या भैया? गुलाब जामुन आपको अलग से लेना पड़ेगा। अच्छा, गुलाब जामुन आपको अलग से लेना पड़ेगा। ये है इनका थाली, पेटीएम, गूगल पे सारा कुछ हो सकता है। ये डॉर्मेट्री में ही है। चलते हैं अभी, हम लोग ऊपर भी दिखाते हैं आप लोग। आप लोगों ने दीना चाट तो मतलब सुना ही है, लेकिन दीना चाट का आपको बता दें कि रूम भी है, आप लोग को दिखाते हैं। अभी हम लोग आ गए अंदर। जैसे मान लीजिए भैया, इसका यहाँ पे आपको एक फैन दिया जाता है भैया, ये नॉन एसी है या फिर एसी वाला है? पूरा एसी है। पूरा एसी है, एसी बड़ा हुआ लगा है 2 टन। ये लाइट है, और यहाँ पे एक कंबल आपको मिलता है, एक पिलो मिल जाता है, जिसकी वजह से आप आराम से स्टे कर सकते हैं। अगर सिंगल पर्सन है तो आराम से रह सकते हैं। और सेम चीज इधर भी दिया हुआ है, देखिए मतलब इतना सारा बेड लगा हुआ है, जिसे अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया है एक लोग के रहने के लिए। अगर मान लीजिए फैमिली के साथ भी 10 लोग आते हैं, स्टे कर लेंगे आराम से, तो कुछ कम बढ़ती होगा कि मत? 600 हो जाएगा। अच्छा, 650 है, 600 हो जाएगा अगर पूरा लेते हैं तो, या फिर एक भी लेंगे अगर मान लीजिए कम कराते तो कम हो जाएगा? एक में भी कम हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोग को मतलब, ये अभी इनका प्राइस है 650 रुपया, मतलब 600 में ये मिल जाएगा आपको। ये लॉकर भी मिलता है, ये देखिए बढ़िया सा एक लॉकर है, आप अपना यहाँ पे सामान, लगेज वगैरह रख सकते हैं। 10 बेड दिया है भैया ने, तो 10 तो मतलब लॉकर, एक मिरर आपको मिल जाता है काफी बढ़िया, मान लीजिए ऊपर भी रह सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं वॉशरूम की तरफ। अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये अटैचमेंट हो गया है, वेस्टर्न मिल जाता है, एक यहाँ भी है वेस्टर्न है, और यहाँ पे भी आप एक मिरर मिलता है, और शैम्पू भी मिल जाता है। आप देखिए एक शावर भी लगा हुआ है नॉर्मल तरीके से, बाल्टी भी आपको मिल जाती है, जैसे घर पे नहाते हैं अपना सामान वामान यहाँ पे रख सकते हैं। ये भी काफी साफ सफाई का ध्यान रखा गया, यहाँ पे आपको वॉशरूम मिलता है। तो इतना बड़ा गीजर लगा हुआ है, ठंडी में अगर आप आ रहे हैं तो आराम से। अच्छा, यहाँ पे आपको साबुन मिल जाएगा, भैया साबुन दे देंगे आपको, वैसे लोग छोड़ के गए हैं। और यहाँ पे भी एक शावर दिया जाता है, इसको भी काफी साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, बाल्टी यहाँ पे रखा गया नॉर्मल तरीके से, आप अगर नहाना चाहते हैं तो बाल्टी मग दिया हुआ है। और होटल देख रहे काफी बढ़िया है। आ गए हैं दूसरे रूम की तरफ, भैया इसको दिखाइए, देखिए भी आपको एक लॉकर मिल जाता है, और यहाँ पे आप आराम से स्टे कर सकते हैं। जैसे उसमें एक कंबल और एक पिलो था, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह हुआ है, आराम से एक लोग स्टे कर सकता है। यहाँ पे भी एक है, अगर आप लोग ऊपर सोना चाहते हैं
ऊपर भी मिल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे लॉकर दिया हुआ, हर पर्सन को एक एक लॉकर दिया जाता है। देखिए ये भी लॉकर काफी बढ़िया है, अपना आराम से लगेज वगैरह रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए भैया, अगर मान लीजिए किसी को खाने पीने की जरूरत है और वो बाहर नहीं जाना चाहता है तो वो आपके यहाँ से मिलता है? चाट तो मिलता है मालूम है, टमाटर चाट है, रेस्टोरेंट है नीचे। अच्छा, भोजनालय है। डिनर वगैरह करना चाहता है तो कॉल कर देगा, आ जाएगा? फोन का तो सिस्टम है नहीं? हमारे यहाँ मिल जाएगा आपको। अच्छा, नीचे रिसेप्शन पे बोल देंगे, खाने की व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पे स्टे कर रहे हैं और आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो नीचे जाके बोल दीजिए रिसेप्शन पे और आपको खाना प्रोवाइड हो जाएगा। इसका लेटरिन बाथरूम थोड़ा सा देख लेते हैं भैया। इसका यहाँ पे देख रहे हैं मीटर काफी बढ़िया एक लगा हुआ है और यहाँ पे देख रहे हैं नहाने की व्यवस्था छोटा है बट ये बहुत बढ़िया मुझे लगा, साफ सफाई का ध्यान रखेगा। यहाँ पे आपको लेटरिन वेस्टर्न मिल जाता है और एक जाग भी लगा हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर देखने के लिए। भैया कितना ऊपर है? पास में ही। तो आ गए हैं दूसरे रूम की तरफ, ये देखिए वाह काफी बढ़िया सेम ही है जैसे नीचे हम लोग ने देखा था वैसे सेम ऊपर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 10 बेड का ये भी है और सेम एसी लगा हुआ है। जैसे नीचे एसी लगा था वैसे यहाँ पे आपको लॉकर मिलता है, सेम मतलब एकदम सेम टू कॉपी है, नीचे का टू कॉपी है। जैसे मान लीजिए आप लोग 10-20 लोग एक साथ आते आराम से यहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो टोटल मिला के कितना बेड हो गया अभी यहाँ पे? 28 बेड है टोटल। अच्छा, टोटल 28 बेड है यहाँ पे और इसका प्राइस आपने बताया 600 जी। ठीक है, अगर वाराणसी कोई आता है कैंट रेलवे स्टेशन पे वहाँ से गुदौलिया चौराहे आने का कितना पैसा लग जाएगा भैया? गुदौलिया से पर परसेंट? हाँ नहीं, कैंट से गुदौलिया तक आने का कितना पैसा लग जाएगा? वही लगेगा 100-150 लग जाएगा यहाँ से आने में, 100-150 रुपया लगेगा आपको। फिर यहाँ से पैदल भी आ सकते हैं, 200 मीटर की दूरी है। हाँ, ठीक है, होटल्स काफी बढ़िया है। दीना चाट आप लोग जानते हैं, दीना चाट काफी ज्यादा फेमस है वाराणसी में, दीना चाट फेमस है। अभी तक लोगों को डॉर्मेट्री का नहीं पता था भैया, मेरे हिसाब से चाट को जितना पता था उतना डॉर्मेट्री का नहीं पता था कि यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक था दीना चाट का डॉर्मेट्री। अगर आप वाराणसी आ रहे हैं कैंट रेलवे स्टेशन पे आते हैं या फिर मडवाड़ी रेलवे स्टेशन पे, कई बार मैंने इस चीज को शेयर किया, अगर आप वाराणसी आना चाहते हो कैंट रेलवे स्टेशन पे या फिर मडवाड़ी रेलवे स्टेशन पे, उसको आने के बाद सबसे पहले आपको आना पड़ता है गुदौलिया चौराहे पे, क्योंकि ये टूरिस्ट पहले से यहाँ पे सब लोग आता है गुदौलिया चौराहे पे। तो गुदौलिया चौराहे पे आने के बाद आपको जाना पड़ेगा दीना चाट, काफी फेमस है, किसी से भी पूछ लेंगे दीना चाट तो वो बता देगा। वैसे भी अगर आप आना चाहते हो तो गुदौलिया चौराहे से 200 मीटर आप पैदल पैदल चल के भी आ सकते हो। और दीना चाट की अगर बात करें तो दीना चाट में ही है डॉर्मेट्री उपलब्ध आपको मिल जाएगा। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। काम करिए, एंजॉय करिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मार को विदा दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।